हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों का गेट का एग्ज़ाम आने वाला है और फरवरी में आपका गेट का एग्ज़ाम है, तो अब इसमें आपके 2 ही मंथ्स लेफ्ट हैं। आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको इन लास्ट के 2 मंथ्स में करना चाहिए कि आपके अच्छी रैंक आ सके और आप गेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सके। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस और एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मुझे ड्यूरिंग प्रिपरेशन मिली थी या मैंने भी जानी है आपसे बात करके, और जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप 2 ही मंथ्स बचे हैं, तो सबसे पहला जो आपको करना है अपने सिलेबस पे ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि आपका सिलेबस दिसंबर तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाए। यानी दिसंबर में आपका जितना भी सिलेबस रिमेनिंग है उसे आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और जनवरी तक इस सिलेबस को ना ले जाए। सेकंड पॉइंट और प्रायोरिटी आपको जो देनी है, गेट के एग्ज़ाम में देखा गया है फिजिकल केमिस्ट्री अगर अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, मुझे लगता है तो ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप प्रियोरिटी में रखें, फिर इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक ईजी आती है और लगभग गेट के ऑर्गेनिक मुझे लगता है सॉल्वेबल है एज कम्पेरिजन टू नेट के। तो आप फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिएगा और फिर इनऑर्गेनिक में एंड देन ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट है फिर आपको जनवरी में क्या करना है। तो देखिए जनवरी में मुझे लगता है आप अपना प्रिपरेशन करिए विथ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप दीजिए और आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं और क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। मतलब आपको ये देखना है कि आप गेट का टाइम मैनेजमेंट समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्या आपका वीक टॉपिक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है जनवरी में। इससे क्या होगा कि अगर आप 1 मंथ पहले प्रिपरेशन मोड में जाएंगे तो आपको हमेशा ये रहेगा कि हाँ मेरा आपका एग्ज़ाम आने वाला है और एक आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो जनवरी में आप टेस्ट सीरीज दीजिए। चौथा पॉइंट, आप उसको एनालाइज भी अच्छे से करिए और इसे भी आपको जनवरी के अंदर ही करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचे पूरे जनवरी में मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, फरवरी में मैं एनालाइज करूंगा और उसी दौरान मैं गेट का एग्जाम दूंगा। मुझे लगता है देखिए आप टेस्ट देते रहें, साथ साथ एनालाइज करते रहें, हर टेस्ट में अगले टेस्ट में पिछले वाले टेस्ट की गलतियां ना करें और जो भी गलतियां आपने की हैं उसको लिख लें और अगला टेस्ट देने से पहले उसे देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं नेट के लिए भी कहता हूँ आपको, गेट के लिए भी कहूँगा, आपको पार्ट ए मिस नहीं करना है। पार्ट ए बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं होता है गेट में, पर अगर आपके 15 में से 12 या 10 आ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर हैं और इतना कठिन भी नहीं होता है। अगर आप इसको रेगुलर 1 घंटा पढ़ेंगे लास्ट मंथ में भी, तो मुझे लगता है आपका इजीली 10 to 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि पार्ट ए आपका टच में रहे और पार्ट ए आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए गेट में एक और प्रॉब्लम जो देखने को मिली है, बच्चे लास्ट मोमेंट में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेटर को, साइंटिफिक कैलकुलेटर को डेट वाले एग्जाम के दिन ही समझते हैं। देखिए इस गलती से भी आप बचे। गेट की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए जब आप जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रिपरेशन, असाइनमेंट सॉल्विंग और साथ साथ टेस्ट सीरीज में भी करना चाहिए, ताकि आपको एक आदत पड़ जाए कि एग्जाम में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे और कौन सा फंक्शन किस बटन से यूज होता है। पॉइंट है आप रैंक का बहुत पूछते हैं कि कितनी रैंक में कितने मार्क्स आ जाएंगे या कितने मार्क्स आपको सेफ मानने चाहिए। तो देखिए गेट में मैं कहूँगा आप देखते होंगे कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे जाता है। जब आसान पेपर आता है तो 60 मार्क्स में भी कभी कभी कुछ नहीं हो पाता और जब हार्ड पेपर आता है तो 50 मार्क्स में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है। पर हाँ, अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए पूछते हैं तो मुझे लगता है उसको आप एवरेज हमेशा कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन में मेरे को लगता है आपको अंडर 500 रैंक लानी चाहिए, तभी आपका किसी आईआईटीज में या पीएचडी एडमिशन में हो सकता है गेट के थ्रू। और इसके लिए आपके 50 मार्क्स हों एवरेज, तो मुझे लगता है 45 से 50, तो आप अंडर 500 में घुस ही जाते हैं चाहे किसी प्रकार का पेपर हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि आपके अगर 45 to 50+ मार्क्स हैं, इनके बीच में भी है, तो आप अंडर 500 में आ जाएंगे और आपका पीएचडी एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर आप अंडर 100 या 200 की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है टोटली ऑन पेपर। अगर पेपर आपका बहुत इजी आया है या सॉल्वेबल है जिसे आप कहते हैं, तो 60+ में आपका अंडर 100 में जाएंगे आप, और अगर पेपर थोड़ा मीडियम है तो 50+ में, और बहुत हार्ड है तो 45+ में भी आप जा सकते हैं अंडर 100 में। इट डिपेंड ऑन पेपर। तो पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ 30 से 40 की रेंज ऐसी है गेट की कि लगभग ये किसी भी टाइप का पेपर आए सॉल्वेबल होता है, और इसी दौरान अगर आप इतना ले आते हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि आपका गेट क्वालिफाई भी माना जाता है या गेट क्वालिफाई की कट ऑफ जो आती है वो इतने में आ जाती है, जिन्हें सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ।
अब एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि गेट ही आपका एक इकलौता एंट्रेंस नहीं है, इसके बाद आपका नेट भी होना है। तो आप इस पे ध्यान रखें कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो आप नेट में अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से रखना है कि आपके जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, जल्दी से जल्दी आप टेस्ट सीरीज दें और जल्दी से जल्दी आप अपनी गलतियों को समझ के उनको सुधार सकें। तो इस चीज़ में अगर आप ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन को और मजबूती मिलेगी। बाकी इसके अलावा कुछ आपको मुझसे पूछना हो या कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।